वेस्टइंडीज से मिली पहली शर्मनाक हार के बाद इस सीरीज में इंडिया की शुरुआत हार से हुई है। तो हार्दिक पांड्या गुस्से में आकर पूरी ही टीम को बदल के रख दिए हैं। तो आपको जानना है कि पूरी टीम क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है। तो 6 अगस्त संडे के दिन शाम को 7 बजे से आपको लाइव पॉडकास्ट देखने मिलेगा, जबकि 8 बजे से इंडिया का लाइव मैच वेस्टइंडीज से सेकेंड T20 मुकाबला लाइव देखने मिलेगा जियो सिनेमा पर। तो ये तो हो गई मैच के बाद, अब प्लेइंग 11 की बात करते हैं। तो जब हार्दिक पांड्या और BCCI ने मिलकर इस शर्मनाक हार को जीत में बदलने के लिए वेस्टइंडीज टीम को उछलने के लिए सेकेंड T20 में गए हैं कुछ बड़े बदलाव। तो ओपनिंग पेयर में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, शुभमन गिल और ईशान किशन की जगह पे शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को मौका मिलने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हो, यशस्वी जायसवाल ने काफ़ी अच्छा फॉर्म दिखाया है IPL में राजस्थान की टीम से रहते हुए ओपनर में, और तीसरे नंबर पर संजू सैमसन को रखा गया है, जबकि चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव आएंगे। T20 में तो उनका जलवा रहता है नंबर 1 T20 वर्ल्ड में बल्लेबाज है सूर्य कुमार यादव, और शानदार उनके पार्टनर तिलक वर्मा जो कि मुंबई इंडियंस से आते हुए पहले ही डेब्यू मैच में शानदार 2 कैच लेकर और शानदार पारी खेली, जिसमें पहले ही गेंद में उन्होंने खाता ही अपना छक्के से गोला, ऐसे कि सूर्य कुमार यादव ने गोला था जो फ्रांचर के खिलाफ। और 6वें नंबर पर हार्दिक पांड्या आएंगे, जबकि 7वें नंबर पर अक्षर पटेल आएंगे। और हार्दिक पांड्या जो हार हुई मैच को जीत में तब्दील कर सकते हैं, जो कि पिछले बार नाकामयाब रहे थे, और उनके बाद आएंगे कुलदीप यादव, उनके बाद युजवेंद्र चहल, मुकेश कुमार रहेंगे। शानदार बॉलिंग की थी मुकेश कुमार ने, उनके बाद युजवेंद्र चहल ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है इस सीरीज के पहले ही मैच में, और दूसरे मैच में भी कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे। और लास्ट नंबर पर अर्षदीप सिंह की शानदार और धारदार यॉर्कर आपको देखने मिलेगी। आपका क्या मानना है इंडिया वर्सेज वेस्टइंडीज की सीरीज में इंडिया सेकेंड मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? और आप भी हो जाते हैं शिमला के फैन, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।